दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी कि हम प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्टिबल फंक्शंस नहीं होते, कहने का मतलब वो 1 1 और 1 2 नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनका इनवर्स सीखते हैं। वो इनवर्स हम क्यों सीखते हैं एक ऐसे फंक्शनों का जो इनवर्टिबल भी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें, इन सारी बातों के जवाब मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर जाकर देखना चाहो तो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, तो 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों से पहले हम उन क्वेश्चनों की गहराई देखेंगे, हम उन क्वेश्चनों का कंसेप्ट देखेंगे कि किस कंसेप्ट के ऊपर हमारे लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है 2.2। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, ये वीडियो कंप्लीट देख लेना क्योंकि 2.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इस चैप्टर में, और उससे भी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के बिना 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर हमारी 2.2 एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपने नहीं सीखा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे अगर ये फॉर्मूले जो मैं आज बताने वाला हूं, जो ये प्रॉपर्टीज जो मैं बताने वाला हूं, अगर ये आपने अच्छी तरह सीख ली, अच्छी तरह समझ ली, तो आपके लिए 2.2 एक्सरसाइज बच्चों का खेल हो जाएगा और आराम से आप क्वेश्चनों को कर डालेंगे। तो चलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज की तरफ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं। जैसे हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, साइन एक्स प्लस वाई हम कैसे खोलते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कैसे खोलते हैं, साइन 3π बाई टू माइनस एक्स प्लस एक्स हम कैसे खोलते हैं, सारी चीजें हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी 11th क्लास उसमें हमने सीख लिया था। उसी तरह अब हमारी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो कुछ कंसेप्ट हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी होती हैं। जैसे हम चलते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ, तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि जो हमारे पास क्या होते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल होगा, अगर वही हमारे पास वो फंक्शन आ जाता है तो वो चीजें हमारी कैंसिल हो जाती हैं। किस तरह? जैसे हम ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन है, अगर उसका एंगल साइन है तो ये साइन से ये साइन इनवर्स कट जाता है और खाली ये एक्स रह जाता है। बात समझ में आई क्या? कि इस साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा और ये हमारे पास एक्स रह जाएगा खाली। बात समझ में आई? अगर जैसे हमारे पास क्या आ जाए, ये आ जाए कि साइन इनवर्स का एंगल हमारे पास साइन 2x, ये आ जाए, तो इस साइन से साइन इनवर्स कट के हमारे पास आंसर आ जाता है 2x। बात समझ में आई? इस तरह के क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। इस तरह जो भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे, जैसे कोस इनवर्स कोस एक्स आ जाए तो उसका आंसर सीधा आ जाएगा एक्स, जैसे हमारे पास टेन इनवर्स टेन एक्स आ जाए तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा एक्स, ऐसे ऐसे जो भी सारे आते हैं कोसिकेंट तक, जो कोसिकेंट इनवर्स इंटू कोसिकेंट एक्स आ जाए तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा एक्स, उसी तरह कोट होगा उसी तरह हमारा सीकेंट होगा। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सबसे सिंपल और पहली एक्सरसाइज, और ये सारी की सारी चीजें हमने पहली एक्सरसाइज में भी की थी। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल रहे थे तो ये वैल्यू हम काट रहे थे कैंसिल कर देते थे, तो हमारे पास क्या आ जाते थे, सीधे उनके एंगल निकल कर आ जाते थे पाई बाई थ्री या पाई बाई फोर। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन। अब चलते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ और देखते हैं कि जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है। तो प्रॉपर्टी नंबर जो टू है इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो क्या कहती है, जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू सीखी थी, क्या थी प्रिंसिपल वैल्यू, कि जैसे हमारे पास हमने तीन ऐसी चीज बताई थी आपको जो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमारे पास नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे हमने बताया था कि अगर कोस इनवर्स नेगेटिव का एंगल आ जाए तो वो कोस इनवर्स हम पॉजिटिव बना देते थे, और कैसे बनाते थे, पाई में से उस एंगल को लेस कर देते थे। तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कुछ फंक्शंस अगर हमारे पास उनके एंगल नेगेटिव एग्जिस्ट कर जाएं तो उन नेगेटिव एंगल को हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें क्या कहते हैं, कि जैसे हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये किस तरह खुलेगा। तो आप सबको पता है कि जो साइन इनवर्स हुआ हमारे पास कौन हुआ, टेन इनवर्स हुआ, सीकेंट कोसिकेंट इनवर्स हुआ, ये ऐसे होते हैं जिनकी डोमेन और रेंज नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकती है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी सीखा था कि डोमेन और रेंज क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे।
तो आप सबको पता है कि साइन इनवर्स हुआ, टैन इनवर्स हुआ, कोसेकेंट इनवर्स हुआ, ये तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जो नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो अगर नेगेटिव आ जाता है साइन इनवर्स में, तो ये जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाता है और हम ऐसे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आई कि जो ये नेगेटिव का एंगल है, इस नेगेटिव एंगल को बाहर लिख देते हैं और साइन इनवर्स एक्स बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसकी जो रेंज आती है वह माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच में आती है। इसमें हम नेगेटिव का एग्जिस्ट करा सकते हैं। लेकिन जब जो दूसरा हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आता है, कौन सा? जैसे हमारे पास आया कोस इनवर्स नेगेटिव एक्स। अब आप सबको पता है कि जो कोस इनवर्स की रेंज होती है वो जीरो से लेकर पाई तक होती है। बताया था ना ये सारी चीजें, मतलब ये जो हमारा कोस इनवर्स है इसकी रेंज हमारे पास क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो अब ये आ तो गया नेगेटिव, तो इसकी तरह हम नेगेटिव तो इसको लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव लिख दिया तो ये हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा, और रेंज से बाहर चला गया तो हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं रहेगा फिर। बात समझ में आई? तो इसलिए जो इसकी रेंज होती है वो क्या करते थे हम? पाई में से लेस कर देते थे कोसेकेंट इनवर्स एक्स को। जो ये नेगेटिव है इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? क्योंकि सीधी सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो जीरो से पाई के बीच में आएगा, और अगर उसमें पाई में से इसके बीच के आंसर को हम घटा देंगे तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि इस पाई से बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं। सीधी सी बात है इसकी जो रेंज है वो जीरो से पाई के बीच में एग्जिस्ट करती है, या जीरो पाई हो सकती है। अगर इसकी रेंज पाई भी आ जाती है तो पाई में से पाई जाकर जीरो बच जाएगा, तो नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, अगर नेगेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसको पाई में से उस एंगल को क्या कर देते हैं हम? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आई? इसी तरह हमारे पास जो टेन इनवर्स नेगेटिव एक्स है, आप सबको पता है टेन इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है नेगेटिव, क्योंकि उसकी रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का टेन इनवर्स एक्स निकल सकता है। बात समझ में आई? उसी तरह बात करें फिर कोट इनवर्स एक्स की, नेगेटिव के एक्स की। आप सबको मैंने तीन ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे जो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पहला तो था हमारे पास कोस इनवर्स एक्स जो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरा आता था कोट, और तीसरा आता था सीकेंट इनवर्स एक्स। कोस, कोट और सीकेंट, ये तीन ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, और क्यों नहीं करते ये भी बताया था। क्यों? क्योंकि इनकी रेंज नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करा पाती, इस वजह से ये नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। तो जैसे हमारे पास कोट इनवर्स एक्स है तो ये कोस इनवर्स की ही तरह खुलेगा। कैसे? पाई में से लेस कर देंगे हमारे पास कोट इनवर्स एक्स को। देखो, या फिर नेगेटिव का एक्स नहीं लिखेंगे हम, या क्या लिखेंगे? पॉजिटिव का ही एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाई में से घट के फिर पॉजिटिव बन जाता है। उसी तरह कोट के बाद आया सीकेंट इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो सीकेंट भी आपको पता है पाई में से लेस होगा सीकेंट इनवर्स एक्स। और फिर आता है हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो आपको पता है कि कोसेकेंट तो नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो ये जो तीन होते हैं हमारे पास ये नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इनको हम सीधे खोल सकते हैं नेगेटिव को आगे लगाकर। लेकिन ये जो बाकी के तीन बच गए ये हमारे पास नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, और इसको हम पाई में से लेस करके सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई? तो ये थी पहली दो प्रॉपर्टी। अब चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ और देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह डिपेंड करती है। तो एक बार इनको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, अगर ना किया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी ध्यान रह जाएंगी। बात समझ में आई? तो चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो प्रॉपर्टी नंबर तीन है हमारी, वो इनवर्स वो डिपेंड होती है हमारे पास किसके ऊपर? रेसिप्रोकल फंक्शंस के ऊपर। किस तरह? जैसे हम बात करते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री की, तो प्रॉपर्टी नंबर जो थ्री है इसकी वो देखो किस तरह हमारे पास डिपेंड करती है। आप सबको पता है कि हमने 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे थे उनमें क्या था कि साइन एक्स का अपोजिट जो होता था वो कोसेकेंट एक्स होता था ना। कोस एक्स का जो अपोजिट होता था, मतलब कोस एक्स इज इक्वल टू 1/secant एक्स, अपोजिट कौन होता था? secant x होता था। उसी तरह tan x का अपोजिट होता था cot x। बात समझ में आई? उसी तरह अब हम ये देखेंगे कि जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या इनके भी अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं, और करते हैं तो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहले बात करें कि sin इनवर्स 1/x लिख दिया हमने। देखो पहले तो हमारे पास ये क्या था? sin इनवर्स x था, तो sin इनवर्स x को हम कुछ नहीं लिख सकते थे। आप सबको मैंने पहले भी बताया था हमारी जो बेसिक की वीडियो में कि साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि 1/sin, नहीं, साइन इनवर्स का मतलब 1/sin कहीं नहीं, कभी नहीं होता। इस इनवर्स का ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ये करते हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री की वैल्यू बताओ, तो ये जो साइन स्क्वायर होता है ये इस फंक्शन के ऊपर नहीं होता। ये साइन जो ये पावर टू है इसकी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू के ऊपर होती है। कहने का मतलब जो इसका एंगल आया है उसके ऊपर होती है ये पावर टू।
पावर थ्री हो या पावर फोर हो, ये इस फंक्शन के ऊपर नहीं होती। इस फंक्शन की उस एंगल के ऊपर जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ये पावर हमारी पास लगाई जाती है। जैसे हमारे पास अब ये साइन इनवर्स एक्स है, अगर इस एक्स को मैं वन बाई एक्स लिख दूं, साइन इनवर्स वन बाई एक्स लिख दूं, तो अगर ये एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो इसका अपोजिट पार्ट आ जाता है। अपोजिट पार्ट कौन सा होता है साइन इनवर्स का? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। बात समझ में आई कि साइन इनवर्स वन बाई एक्स क्या होता है? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अगर एंगल रेसिप्रोकल मिल जाए कहीं तो हम उसको सीधा उसके अपोजिट में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोसिकेंट इनवर्स वन बाई एक्स होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स में। बात समझ में आई? इसी तरह हमारे पास जो टेन इनवर्स वन बाई एक्स होगा बिल्कुल एज इट इज, वो हमारा चेंज हो जाएगा इसके अपोजिट कोट इनवर्स एक्स में। और कोट इनवर्स वन बाई एक्स मिल जाए कहीं तो वो चेंज हो जाता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स में। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट बच गया, आपको पता है सीकेंट इनवर्स वन बाई एक्स किस में डिपेंड करेगा? हमारे पास ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। तो ये तीन हमारे पास क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। साइन कोस को चेंज कर सकते हैं सीकेंट में, तो ये हमारे पास तीन क्या होते हैं? इनके अपोजिट में चेंज हो सकते हैं। बात समझ में आई? और अगर इनके एंगल फिर नेगेटिव में एग्जिस्ट कर जाए, माइनस हो जाए, तो वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने पिछली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में सीखा था कि कोस सीकेंट और कोट ये तीन ऐसे होते हैं जो हमारे पास नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर थ्री। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह एग्जिस्ट करती है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास फोर है, देखो ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा यूज होगी। आप सबको पता है कि हमने 10th क्लास में ये फार्मूले सीखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, सीखे थे। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये उसी तरह एग्जिस्ट करती है। किस तरह? अगर आप सबको पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता था 11th क्लास में, वो कोस थीटा होता था। टेन 90 प्लस माइनस थीटा होता था, वो कोट थीटा होता था। कहने के बाद मतलब ये है कि साइन के बाद कोस आया तो साइन कोस का एक हमारे पास पेयर बन जाता था। उसी तरह टेन और कोट का एक पेयर बनता था, उसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट का एक पेयर बनता था। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो वो पेयर है हमारे पास, अगर वो पेयर सेम एंगल में एग्जिस्ट कर जाए, कौन से पेयर? साइन कोस का पेयर, टेन कोट का पेयर, सीकेंट कोसिकेंट का पेयर, अगर ये सेम एंगल में एग्जिस्ट कर जाते हैं तो उनकी वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है। किस तरह? देखो, जैसे हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। देखो हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का आप सबको पता है साइन के बाद कोस आता है तो एक पेयर बन जाता है, और अगर ये सेम एंगल में एग्जिस्ट करते हैं तो इनका अगर प्लस हो जाए बीच में तो इनका सीधा आंसर आ जाता है पाई अपॉन टू। बात समझ में आई? ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फोर। इसी तरह दूसरा पेयर कौन सा होता है हमारा? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स अगर एग्जिस्ट कर जाए पेयर में सेम एंगल के साथ तो उनका आंसर भी आ जाता है पाई अपॉन टू। उसी तरह तीसरा जो हमारा पेयर है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी हमारे पास सेम एंगल में एग्जिस्ट कर जाए तो ये हो जाता है पाई अपॉन टू। बात समझ में? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फोर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आई, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है, अभी फॉर्मूले तो आए ही नहीं है। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर हमारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा और वो फॉर्मूला पूरी की पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। बात समझ में? तो देखते हैं उस फॉर्मूले को भी और किस तरह वो एग्जिस्ट करता है वो भी। तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ भी आ जाते हैं तो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या एग्जिस्ट करती है कि अगर आप सबको पता है कि टेन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता था 11th क्लास में। अब फॉर्मूले एग्जिस्ट कराने लगा हूं मैं, वो फॉर्मूले जो सीधे के सीधे पुट होंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला लिख दिया कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मिल जाएगा, एंगल देखो अलग अलग है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जैसे मैं ये कह दूं कि टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स फाइव एक्स, इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो सीधा नहीं होगा कि 2x प्लस 5x 7x, नहीं, इसका हमारे पास फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स हम एक बार लिख देते हैं इनटू, ये हो जाता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेकर आ गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर कहीं मिल जाए, बहुत बार मिलेगा हमारे एक्सरसाइज में, तो उसका फॉर्मूला खुल जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। उसी तरह अगर ये फॉर्मूला नेगेटिव में एग्जिस्ट कर जाए, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y मिल जाएगी। अगर नेगेटिव में एग्जिस्ट कर जाएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स तो सेम एज इट इज रहेगा, इनटू जो ये प्लस था वो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस किस में चेंज हो जाएगा हमारा? प्लस में।
तो ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये थे हमारे दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में सीधे पुटोगे। बात समझ भाई? तो ये था हमारा कुछ कंसेप्ट, कुछ प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी बाकी है हमारे पास, लेकिन मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो ऐसी प्रॉपर्टी है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं और उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सीख लिया, उसी तरह क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है। लेकिन वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा नहीं। क्यों? देखो बताने को तो जब क्वेश्चन आएंगे मैं सीधा बता भी दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज को डिपेंड करा दूंगा, सोल्व करा दूंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपको सिखाऊंगा, ज्यादा बर्डन दूंगा तो आप क्वेश्चनों को भूल जाएंगे, फिर ये सोचेंगे किस तरह करें किस तरह करें। तो कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फॉर्मूले हैं आपको जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन हम उन साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को क्या करेंगे, पहले टेन इनवर्स में चेंज कर देंगे और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, हर बच्चे को ये याद हो जाते हैं, लेकिन जो साइन कोस वाले फॉर्मूले होते हैं ना वो याद नहीं होते। बात समझ में आई? उसी तरह अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का कहीं फॉर्मूला आ जाए तो पहले साइन इनवर्स और कोस इसको हम चेंज करेंगे किस में, टेन इनवर्स में, और फिर लगा देंगे फॉर्मूला। अब कुछ फार्मूले वही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वही हैं, एक आधी प्रॉपर्टी बची है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार, आप समझ लेना वही फार्मूले जो 11th क्लास में सीखे थे। तो चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ और देखते हैं कि किस तरह की, कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, तीन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनको हम फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। कि अगर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे तो वो इस तरह यूज होंगे। जैसे हमारे पास 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। देखो अब तीन तरह से किस तरह यूज करेंगे, पहला तो होता है हमारे tan की फॉर्म में, दूसरा होता है sin की फॉर्म में, और तीसरा होता है cos की फॉर्म में। क्लियर है? तो इस tan इनवर्स x को हम देखो अगर tan sin और cos में बदलना है तो इसको अगर tan में चाहिए तो हम ये पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। बात समझ में आई? कि अगर 2 tan इनवर्स यानी ये जो फॉर्मूला हमें tan में चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास sin में चाहिए फिर तो sin में क्या होता है, ये हो जाता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो कुछ डिफरेंस नहीं होता, इस माइनस की जगह प्लस आ जाता है। पर देखो ये फॉर्मूले आपने 11th में भी सीखे थे कि हमारे पास ये किसका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था tan 2 थीटा का, ये होता था हमारे पास sin 2 थीटा का। और अब जो इसमें cos में बदलूंगा ना, वो cos में भी किसका होगा, cos 2 थीटा वाला, cos इनवर्स इनटू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने सीख चुके हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमारी यूज होगी। अब 7th प्रॉपर्टी वही जो मैंने आपको बताई थी कि कहीं अगर हमें मिल जाए कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का बताओ फॉर्मूला। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मिल जाए तो पहले तो हम सीधी सी बात है दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के, कि पहले तो इन साइन और कोस को या साइन साइन को हम टेन में बदल देते हैं और वही फिर फॉर्मूला फिर 5th प्रॉपर्टी वाला हम टेन इनवर्स वाला लगा देते हैं। लेकिन अगर ना लगा पाओ आप तो इसका एक सीधा फॉर्मूला भी होता है, अगर याद हो जाए तो सीधा उसमें ही पुट करते हैं। वो क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का अगर सीधा फॉर्मूला आप जानना चाहे तो भी ये हो जाता है कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सीधा लगाना चाहो तो इस प्रॉपर्टी से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसी पेयर का हमारे पास नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे पास आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कुछ डिफरेंस नहीं होता, वही सेम, लेकिन इस माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। x into under root 1 minus y square minus y into under root 1 minus x square। सिर्फ इस प्लस की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी की। तो आप सबको पता है कि 8th प्रॉपर्टी में अगर साइन का सीख लिया हमने तो कोस का भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि टेन का पहले सीख चुके हैं, साइन और कोस का ये हो जाएगा, बाकी इनके अपोजिट होते हैं। जैसे अब बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी में कि जो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का क्या होगा फिर। तो देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो होता है वो ज्यादा मुश्किल तो नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एज इट इज इनटू एक्स वाई प्लस, जो हमारे पास अगर प्लस में एग्जिस्ट कर जाए तो वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। आपको पता है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कोस एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता था, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी प्लस वाले में माइनस एग्जिस्ट करता था। तो अगर यह कोस में प्लस आ जाता है तो यह एक्स वाई माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ गए? और अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई मिल जाए, नेगेटिव में मिल जाए,
तो क्या होगा, कोश इनवर्स एज इट इज, एक्स वाई भी एज इट इज, या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बस, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये थी हमारी सारी की सारी एट्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पूरी कंप्लीट समझा दी है। एलिमेंट्स बुक की सेकंड एक्सरसाइज, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ बता दिया आपको। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज का पूरा कंसेप्ट, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब सीधे अगली वीडियो में आएंगे हमारी इसके पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इन प्रॉपर्टियों का यूज करके कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। और आप सब भी देखेंगे कि इन प्रॉपर्टी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको इन्हीं 8 प्रॉपर्टियों के माध्यम से कराऊंगा। तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं और हमारे क्वेश्चनों की